हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ल्ड। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूं। ये एक जानकारी है जिसे जानने के बाद शायद इन सभी बातों पर आपको यकीन नहीं होगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ उस बेल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप तुरंत मेरी वीडियो को देख सकें। आज हम बात करेंगे दुनिया में अजीबोगरीब रेस्टोरेंट की। हमने कई जगह पर अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, लेकिन कभी भी आपने ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सुना होगा जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है टीएस म्यूजिक रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की ये खासियत है कि ये बिल्कुल हॉस्पिटल की शेप में बना हुआ है। जैसे ही आप इसके अंदर एक्सेस करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें सभी चीजें, इसका इंटीरियर बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह आपको दिखेगा और आपको हॉस्पिटल जैसा फील आएगा। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली सभी महिलाएं हैं, वो आपको डिनर सर्व करती हैं, जिनका ड्रेस कोड हूबहू नर्स जैसा है। यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, आपको लगेगा कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं। और वो आपको डाइनिंग टेबल तक ले जाती हैं, लेकिन कैसे ले जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो व्हील चेयर पर आपको बिठाती हैं और उसके बाद में धक्का मारकर आपको डाइनिंग टेबल तक ले जाती हैं, जैसे किसी पेशेंट को ले जाया जाता है। और आपसे पूछे जाते हैं दो सवाल, अगर आपका जवाब सही है और वो आपको एक टेस्टी ड्रिंक पिलाएंगी, लेकिन वो ड्रिंक आपको किसी ग्लास में नहीं दिया जाएगा, उनका ड्रिंक पिलाने का तरीका होगा सिरिंज के जरिए, वो सिरिंज के जरिए आपको ड्रिंक पिलाएंगी। नंबर दो पर है डेविल आइसलैंड प्रिजन रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट एक जेल की तरह बना हुआ है और यहाँ पर भी खाना महिलाओं के द्वारा सर्व किया जाता है, जिनका ड्रेस कोड हूबहू पुलिस ऑफिसर की तरह होता है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। अब बात करते हैं तीसरे रेस्टोरेंट की, जो है मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट। आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा इसके नाम से। यह एक बिल्कुल नए तरीके का रेस्टोरेंट है, ये मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया गया है, अंदर से बिल्कुल इसका इंटीरियर जो है एक टॉयलेट की तरह है। और आप जैसे इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे आपको बिल्कुल टॉयलेट वाला फील आएगा। और सभी की सभी चेयर इस रेस्टोरेंट की टॉयलेट सीट की तरह बनी हुई है, और जो प्लेट है जिनमें खाना सर्व किया जाता है, टॉयलेट सीट को भी एक प्लेट बनाया हुआ गया है जिसमे की खाना दिया जाता है। और यहाँ पर कई सारी डिशेज ऐसी हैं जिनकी हूबहू शेप उसी की तरह है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नंबर 5 की, रोबोट रेस्टोरेंट। ये टोक्यो जापान। यहाँ का डिजाइन कलर बिल्कुल रोबोटिक है और यहाँ पर डिनर करते समय रोबोट के शोज चलते रहते हैं। आप यहाँ पर डिनर करेंगे, चारों तरफ आपको रोबोटिक जैसी चीजें दिखाई देंगी और आपको खुद ब खुद अपने आप में भी रोबोट जैसा फील आने लगेगा। नंबर 6 पर है निंजा न्यूयॉर्क। इसे डिजाइन किया गया 15th सेंचुरी के समय जैसा, जापानीज विलेज की तरह। तो यहाँ की क्या खासियत है, जब यहाँ के वेटर आपको खाना सर्व करते हैं तो सर्व करते समय वो आपके सामने कई सारी ट्रिक परफॉर्म्स करते हैं बिल्कुल निंजा स्टाइल में। नंबर 7 पे है नायोटाबोरी जापान। यह एक जापानीज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जिस तरह से डिनर सर्व किया जाता है दुनिया में कहीं और नहीं किया जाता होगा। आमतौर पर सभी रेस्टोरेंट में खाना प्लेट में सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ का ट्रेंड ही कुछ अलग है। यहाँ पर प्लेट की जगह पर लड़कियों की न्यूड बॉडी होती है जिस पर खाना सर्व किया जाता है और उसके बाद खाना खाया जाता है। और बात करते हैं अगले रेस्टोरेंट की, जो है डिनर इन द स्काई, एक तरह का उड़न खटोला। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ अलग ही फील होगा। ये एक झूलते हुए उड़न खटोले की तरह है, आपको यहाँ पर काफी अमेजिंग फील होगा, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अगले रेस्टोरेंट की, कॉनी ब्लिस्टिक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। इस रेस्टोरेंट में भी फीमेल बॉडी शेप पर ही खाना सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल ओरिजिनल नहीं होती है, यहाँ पर फीमेल फेक होती है, यानी कि एक बनावटी फीमेल की बॉडी होती है जो न्यूड होती है, जिस पर खाना सजाया जाता है और उसके बाद में वो खाना सर्व किया जाता है। साथ ही साथ जिस फीमेल बॉडी पर खाना सर्व किया जाता है, इवन वो फीमेल बॉडी भी ईटेबल फूड होता है। आप उस फीमेल बॉडी को चाकू से काट कर कहीं से भी खा सकते हो, कोई भी हिस्सा जो आपको पसंद हो वो हिस्सा खा सकते हो, और वो एक फूड मटेरियल से बनाया गया होता है। जब आप चाकू से कोई हिस्सा काटोगे तो उसमें ब्लड के जैसा कुछ निकलता है, लेकिन वो ब्लड नहीं होता है, वह भी एक खाद्य पदार्थ से ही बनता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अजीबोगरीब चीजें काफी पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।